हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। यहाँ पर फ्रेंड इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है, और मम्मी होगी तो वो बड़ी होगी ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रोहन की जो मम्मी है वो कितने साल बड़ी है उससे, 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड देखिए, उनकी जो अभी प्रेजेंट एज है दोनों की, और अभी के 3 साल बाद उनकी जो उम्र होगी उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, गुना करूं, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है गुना, तो उनकी उम्र को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं 3 साल बाद, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 360। और हमें बोल रहा है इस बात को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए फ्रेंड कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको मैंने पहले भी कहा था, मम्मी बड़ी है या बच्चा बड़ा है, उसकी जो मदर है रोहन की जो मम्मी वो बड़ी होगी ना, छोटा कौन है, बच्चा है। तो बच्चे की उम्र को पहले हम एक्स मानेंगे, तो छोटा है उसको पहले मानते हैं, एज्यूम क्या करेंगे एक्स, जो छोटा है, छोटा कौन है यहाँ पर, बच्चा। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। हम मान रहे हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट अभी एज है वो क्या है, एक्स ईयर, ठीक है। और फिर उसकी मम्मी की उम्र क्या होगी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, उसकी जो मम्मी की जो अभी प्रेजेंट एज होगी वो क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, 26 साल बड़ी है उससे। तो एक्स में आप 26 जोड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है, बड़ी है, ज्यादा उम्र है 26 साल, तो एक्स प्लस 26 करेंगे ना, 26 एक्स तो नहीं करेंगे ना। कुछ बच्चों को डाउट होता है यहाँ पर कि क्या करना है, अगर आप x में 26 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 गुना हो जाएगी वो, तो 26 टाइम 26 टाइम बड़ी हो जाएगी वो। तो यहाँ पर बोल रहा है 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी के 3 साल बाद उनकी उम्र देखते हैं क्या हो जाती है, आफ्टर 3 ईयर क्या लिखेंगे हम, आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद उनकी उम्र क्या हो जाएगी, पहले हम फाइंड करते हैं रोहन की उम्र क्या होगी, जो रोहन की उम्र है वो क्या हो जाएगी, देखिए रोहन्स एज क्या हो जाएगी, रोहन की जो उम्र क्या हो जाएगी, अभी कितने साल है एक्स, 3 साल बाद, 3 जोड़ेंगे ना, 3 साल बाद बोल रहा है, 3 जोड़ेंगे ना, 3x नहीं बोलेंगे, ये गलत है, मैं बोल रहा हूं 3 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, 3 साल बाद उसकी उम्र होगी एक्स प्लस 3। आप खुद सोचिए ना, आपकी उम्र कुछ भी है, अभी मान लीजिए आपकी उम्र अभी 15 साल है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 15 में 3 जोड़ेंगे ना, 15 प्लस 3 18, तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, गुना तो नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे ना। तो यहां पर भी क्या है, 3 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, एक्स, अभी एक्स है और एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और रोहन की मम्मी की उम्र 3 साल बाद क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज, ठीक है ना, रोहन्स मदर एज, रोहन की मम्मी की उम्र क्या हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, अभी कितनी उम्र है उसकी मम्मी की, x प्लस 26, और 3 साल बाद 3 जोड़ेंगे ना, तो उसकी मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी, अभी 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3 कितना होता है 29, ठीक है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई, तो फ्रेंड यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उनकी उम्र जो 3 साल बाद जो आई है उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, उनकी उम्र को अगर मैं गुना करूं, प्रोडक्ट करूं, तो प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर क्या आ रहा है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी उम्र 3 साल बाद, तो रोहन की कितनी उम्र है, एक्स प्लस 3, और उसकी मम्मी की उम्र कितनी है, एक्स प्लस 29। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनकी उम्र को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं, तो कितना आ रहा है वो 360, तो ये कितना आएगा 360, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे करना है, ठीक है, आपको अलग से और कुछ भी नहीं सोचना है। फिर इसके बाद देखिए इसको एज इट इज वैसे ही करते हैं जैसे हमने सारे क्वेश्चन पहले किए हैं। तो यहां पर देखिए x इससे x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर x इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 29x, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3x, और ये 3 29 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 29 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, देखिए 39 या 27, 2 हाथ में 87, ये कितना आएगा 87, ठीक है फ्रेंड।
यहां पर इक्वल टू कितना है 360। तो ये बात आपको पूरी क्लियर हो चुकी है, क्या मैंने किया यहां पर मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं लाइक टर्म कौन सा है और सबको एक तरफ लेके आते हैं, 360 को मैं इधर लेके आऊंगा। यहां पर देखिए फ्रेंड आ गया एक्स स्क्वायर, 29 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, ये देखिए दोनों लाइक टर्म है, इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है, तो लाइक टर्म एड हम कर सकते हैं, जोड़ते हैं इसको, तो 29 प्लस 3 कितना होगा 32, यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहां पर क्या है 87 और ये 360 इधर आएगा, तो क्या होगा माइनस का 360 इक्वल टू 0। आगे देखिए फ्रेंड, आगे देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है 32x और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर इसको हम अलग अलग साइन में क्या करते हैं घटाते हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा, ये 360 में से कितना घटाइए 87, तो 10 में 7 गया 3, इसको 1 दिया 5, 15 में से 8 गया 7, ठीक है जी, और इसको 2 ये आएगा आपका 273, तो माइनस का 273 आएगा, साइन किसका बड़ा है माइनस का है ना, अलग अलग साइन में घटाते हैं, घटा दिया हमने, और साइन जिसका बड़ा होता है वो आता है, बड़ा किसका 360 का है, आएगा माइनस का 273 इक्वल टू कितना यहां पर 0, तो इसको मैं रब कर देता हूं फ्रेंड, तो ये कितना है यहां पर ये x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये देखिए एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गया है, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो गया है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो थैंक यू वेरी मच।